और यहाँ पे दूध मैंने सुबह ही गर्म कर दिया था, तो अब उसकी बहुत अच्छी मलाई आ चुकी है ऊपर, जिसको मैं उतार लूँगी। और कुछ मैं दूंगी बच्चों को गर्म करके, और कुछ की मैं आज जाग लगाऊंगी, दही बनाने का जो प्रोसेस होता है वो करूंगी, क्योंकि सुबह है फ्राइडे, सुबह बनेंगे राइस, और राइस बनेंगे तो साथ रायता मस्त बनेगा। और कल हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस, यस, वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव, और साथ चिकन भी होगा, बोनलेस थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो वो डालूंगी। इसको शिफ्ट करते हैं जग्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। और मैं हूं शाज़िया नसीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और आज है फ्राइडे, तो मेरा ये व्लॉग आपको शायद संडे या मंडे को मिले, क्योंकि मेरी ये वीडियो हर 2 से 3 दिन के बाद आती है। और टाइम हो रहा है जी यहाँ पे 11 o'clock, 11 बज चुके हैं, बच्चे स्कूल हैं। आज कायनात घर ही है, वो आज नहीं जा सकी, काफ़ी तबीयत ख़राब थी उसकी। और घर में आपको दिखाऊं तो चीज़ें तो मैं समेट चुकी हूँ सारी, बस अभी ये फर्श साफ़ होने वाले रह गए हैं, झाड़ू लगाऊंगी और फिर होगा इन पे, मतलब इनको धोऊंगी मैं, कपड़ा लगाऊंगी। किचन के बर्तन समेट चुकी हूँ और शेल्फ़ें वगैरह साफ़ करने वाली रह गई है। कायनात अभी तक सो रही है, रात को काफ़ी देर जागती रही, ये रूम भी साफ़ है, ये भी क्लियर हो चुका है, बेडिंग इसकी कर चुकी हूँ मैं, डस्टिंग भी हो चुकी है, बस यही झाड़ू और कपड़ा होगा। तो अब सर्दियाँ आ चुकी हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब खिड़कियाँ रहती हैं बंद, कर्टेन लेकिन मैं पीछे कर देती हूँ ताकि रोशनी बाहर से आती रहे, लेकिन अब हवा की ज़रूरत नहीं होती, अब ठंड होती है, सो इस वजह से ये खिड़कियाँ बंद ही रहती हैं। और ये है जी कायनात, अभी तक सो रही है, मैं इसे मेडिसिन दे के गई हूँ, नाश्ता करवा दिया है, और बहुत मुश्किल से थोड़ा सा नाश्ता करके तो अभी दोबारा से ये सो चुकी है। तो इसको नहीं उठाते हम, करते हैं अपना काम शुरू। ये भी खिड़की बंद है क्योंकि अब हवा की, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ज़रूरत नहीं होती। और चलते हैं अब अपनी रूटीन की लाइफ की तरफ, वही सफाइयाँ, वही बर्तन, और फिर वही खाना बनाना। तो आज क्या बना रही हूँ मैं लंच में जी? आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस, सब्जियों वाले चावल। हाँ जी बिल्कुल, सब्जियाँ पका के चावल बनाऊँगी आज। और किचन में कुछ तो समेट चुकी हूँ, कुछ अभी रहता है, मतलब बर्तन बर्तन वगैरह वॉश कर चुकी हूँ, जो कि नाश्ते के टाइम थोड़े ही होते हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा नाश्ता बनता है, सो इस वजह से बर्तन साथ साथ धुलते जाते हैं। और ये हैं वेजिटेबल्स, मटर निकाल के रख लिए हुए हैं, इस डिब्बे में है मटर, और कुछ गोभी, कुछ गाजर, और ये है कुछ आलू, जिनके मैं आज चावल बनाऊंगी। अभी मैंने मेडिसिन खाई थी, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो सोचा मामा की थोड़ी हेल्प कर दूँ। और वीडियो बनाने में मेरी हेल्प करवा रही है, खैर कोई बात नहीं, अल्लाह इसको सेहत दे जी। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि वो दिन कब आएगा जब हमारे अच्छे खासे व्यूज़ होंगे और हम भी डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड कर रहे होंगे। तो और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट आया करेंगे कि जी आप डेली वीडियो अपलोड किया करें, हम आपको डेली देखना चाहते हैं, आपकी रूटीन हम रोज़ देखना चाहते हैं, और हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करेंगे। वो दिन कब आएगा गाइस, ज़रूर बताएं कब आएगा वो दिन, कोशिश करें और प्लीज़ साथ दें, सपोर्ट करें। और 12:30 हो चुके हैं और आ चुके हैं कायनात के बाबा, किसी काम से बाहर गए थे आज, क्योंकि फ्राइडे है तो वो आज जाएंगे जुम्मा अदा करने के बाद। और कायनात की अभी थोड़ी देर पहले इतनी तबीयत ख़राब थी, और अब मेडिसिन खाई है, कुछ बेहतर हुई है, तो उठते ही इसके बाबा ले आए इसके लिए समोसे, और ये देखें कैसे चपाचप खा रही है। और यहाँ पर साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वेजिटेबल पुलाव की। उसके लिए मैंने चुलान करके तो ऊपर रख दिया है ऑयल को, वेजिटेबल्स काट चुकी हूँ मैं, चावल भी भिगो दिए हुए हैं, इनको भिगोए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और
स्टार्ट करते हैं पकाना। और जी दोपहर का खाना हम खा चुके हैं, ये बाकी चावल हैं, इतने से बच गए। ये अगर किसी ने शाम को खाने हुए तो वो खाएगा। बर्तन अभी धोने वाले पड़े हैं, जमा करके रख लिए हुए हैं कि इनको बाद में अब देखूंगी, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद सभी घर में कैलोला करते हैं, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और आज जुमे का दिन था तो सब अपनी नमाज से फारग होके खाना खाने के बाद नमाज अदा करके सूरह कहफ पढ़ के तो हस्बैंड जा चुके हैं अपनी जॉब पे और बच्चे अब सभी लेटे हैं। ये हमारी रूटीन है कि दोपहर के खाने के बाद बेशक आधा घंटा ही सब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, कैलूला करते हैं, आधे घंटे की नींद लेते हैं, अगर आ जाए तो ठीक वरना कोई बात नहीं, लेट के उठ जाते हैं। और सर्दियाँ जो कि मैंने पहले भी बताया कि स्टार्ट हो चुकी हैं और सभी कंबल ओढ़ के तो लेटे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ज़बरदस्त सी रूटीन के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी।